वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूँ रिदा खानम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आई थी यूनिवर्सिटी, मेरी क्लास तो थी नहीं, मैं ऐसी आ गई थी। सुबह सुबह बहुत तेज़ बारिश हुई थी तो सोचा मैं यूनिवर्सिटी चलते, यूनिवर्सिटी आई और उसके बाद फजूल सुबह आई थिंक मैं आई थी, मैं पहुँची थी 9 बजे, 9 बजे से लेकर अभी हो गए 12 बजे, तो फजूल में बैठी रही ना, मैंने कोई काम किया ऐसी, बस ड्रामे देखती रही हूँ। और उस टाइम मेरा पूरा दिन निकल गया और अभी मैं वापस जा रही हूँ, मैं बस को वेट करी तो सोचा कि मैं एक व्लॉग बना लेती हूँ ऐसे टाइम में बैठने से बेहतर। तो अभी हूँ मैं स्टॉप पे, तो सब पर मैं आप लोग दिखाती हूँ कि यहाँ पे अभी क्या सीन है और उसके बाद जब बसेस आएगी फिर क्या सीन होता है। तो जुड़े रहे मेरे व्लॉग के साथ, पूरा व्लॉग देखना स्किप ना करना यार। अभी बसेस नहीं आई फिर भी लड़कियाँ आई हुई हैं ऐसे ही, बस एक बस आई है वो सामने, अभी तक तो कोई बसेस नहीं आई, तो बस आई मिलकर करते हैं ये पर वेट। ये आ गई है पहली बस, ये बसेस चल रही है 12:40 हो गए, तो बसेस निकल रही है यूनिवर्सिटी से। क्या क्या रहे नितिनिया, हमने एक ब्लंट मारा है, वो ब्लंट कुछ इस तरह है। हम आए हैं ये रावलपिंडी वुमन यूनिवर्सिटी, तो ये लोग ऐसे तो आने नहीं देते थे, ऐसे बस हमने कुछ किए और इसके बाद हम लोग पहुंच गए यूनिवर्सिटी। और इसके बाद हम ये उनके ग्राउंड में आए, उनके आज सुबह बारिश हुई थी उसकी वजह से इतनी कीचड़ और उसमें चलना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी हम चल रहे हैं बड़ी मेहनत के साथ। हम आए हैं यार, उनको पता भी नहीं चला कि हम इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते भी नहीं, और फिर इसके बावजूद हम आ गए। तो इसके बाद ये मेरे पीछे जो है ये इनका ग्राउंड है, ग्राउंड बहुत प्यारा, मैं आप लोगों को सारा दिखाऊंगी जुड़े है मेरे ब्लॉग के साथ। इनका ये ग्राउंड है और ये देखिए कीचड़। अभी हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं कैफेटेरिया, हमें नहीं पता किस साइड पे कैफेटेरिया, तो यहाँ पे लड़की ने कहा है कि वो आगे, वहाँ से आगे राइट सेफ लेफ्ट राइट पता नहीं कहाँ, तो हम वहाँ पे जाके देखेंगे कि उनका कैफेटेरिया कैसा है वो बिल्कुल सामने, तो देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या है। हमारी यूनिवर्सिटी जैसी है या नहीं, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत कुछ मिलता है प्लान, तो इनके यूनिवर्सिटी में देखते हैं कि यहाँ पे क्या सीन है। वो सामने स्टूडेंट कैफे, तो यहाँ से हम किस साइड से आए थे, हम आगे से, हाँ हम इसी साइड से आए थे ना वहाँ से, लेकिन हमने देखा नहीं कि वो उस साइड पे है, तो यहाँ से आगे देखो इस साइड से आ, यहाँ से हम जाएंगे अंदर। यहाँ से बैक से फ्रंट पे आ गए हम लोग, कितने से एयर इंचा सोफी पा। तो ये
ये था आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वुमन और पिंडी वुमन यूनिवर्सिटी पसंद आई होगी। तो इनकी यूनिवर्सिटी में जहाँ तक मैंने देखा है, तो जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटी में है, मतलब तीन ब्लॉक्स है, फातिमा ब्लॉक, आयशा ब्लॉक एंड मरियम ब्लॉक। तो उसके अंदर जो डिपार्टमेंट्स है वो डिवाइड हुए हैं ना। तो इनके यहाँ मैंने जो चीज़ देखी है मैंने, वो है हर ब्लॉक अलग अलग है हर डिपार्टमेंट के लिए। मतलब जूलॉजी के लिए अलग डिपार्टमेंट है और उनका अपना ब्लॉक अलग है, और बॉटनी के लिए अलग डिपार्टमेंट, अलग ब्लॉक, सब कुछ। मतलब जो सेमेस्टर जो डिपार्टमेंट होते हैं उनके लिए अलग अलग अपने ब्लॉक्स बने हुए, और अच्छा है। और उनके एक ही कैफेटेरिया थे जो आज हम गए, अच्छा था एज़ कम्पेयर टू हमारी यूनिवर्सिटी, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मैंने इनकी यूनिवर्सिटी में वो देखी। मुझे उनका काफ़ी अच्छा लगा कैफेटेरिया। तो बाकी होप सो आप उनको ब्लॉग पसंद आएगा। इसके साथ साथ कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप लोगों तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।